हेलो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैंसर हैं यानी कर्क राशि हैं तो चलिए देख लेते हैं आपका लव रीडिंग। जून 2023 के 5 से 15 तारीख के बीच में आपके लव लाइफ में ओवरऑल क्या क्या होने वाला है, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखने वाले हैं जो इंसान आपके दिल में है, आपके मन में है, जिस पर्सन के बारे में इस टाइम पर आप सोच रहे हो, वो इंसान इस टाइम पर आपके बारे में क्या सोचने वाला है, क्या एक्शन लेने वाला है आपके तरफ, या फिर उनके लव लाइफ में 5 से 15 तारीख के बीच में जून मंथ में क्या क्या होने वाला है। तो फर्स्ट हम आपकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद उस पर्सन की रीडिंग करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है किसी भी बात को लेकर, ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं रखना है, या फिर नेगेटिव एकदम से नेगेटिव माइंडेड नहीं होना है। और ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को कैंसर मानते हैं यानी कर्क राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऑलरेडी एक मेजर कार्ड आ गई है आपके लिए। सो आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। सो और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर और एक कार्ड्स आ गई हैं जो कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। सो लेट स्टार्ट, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, जजमेंट, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, फाइन। सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है द हेरोफेंट। सो ओवरऑल जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, आपके मन में ना कहीं शादी की बात चल रही है बहुत टाइम से। हो सकता है आप रिश्ता ढूंढ रहे हो सकता है आप सिंगल हो, किसी एक पर्सन के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हो, या फिर आपका कोई क्रश है। तो यहाँ पर एक ओवरऑल मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, आप बहुत टाइम से शादी को लेकर सोच रहे हो, यानी आपको कैसा पर्सन मिलेगा या फिर आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, ओवरऑल मुझे यही दिख रही है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, वो अपनी शादीशुदा लाइफ के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि उनका शादीशुदा लाइफ जो है वो आगे जाकर क्या होगा, यानी फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारे बातें, शादी से रिलेटेड आप सोचते हुए दिख रहे हो बहुत टाइम से। तो इस टाइम पर एक क्लैरिफिकेशन आपके पास आती हुई दिख रही है जून मंथ के 5 से 15 तारीख के बीच में। वो कैसे आएगा या फिर कैसे ये स्पष्टता आपको प्राप्त होगा तो वो तो रीडिंग करने के थ्रू ही पता लगेगा। तो इस टाइम पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आ जाए, जिस पर्सन की तरफ से आप सोच रहे थे, या फिर कोई शादी का ऑफर आ जाए, या फिर आपकी फैमिली आपके लिए कुछ अच्छा रिश्ता लेकर चला आए। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, एक सॉल्यूशन आपके पास आती हुई दिख रही है। इस टाइम पर आपके लाइफ में ना लव लाइफ के साइड से हार्मनी आती हुई दिख रही है, खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से राशि हैं यानी एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं एयर साइन जिमना लिब्रा एक्यूरियस हैं, आर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हैं, पाइसिस की एनर्जी अलग से दिख रही हैं, लिब्रा की एनर्जी अलग से दिख रही हैं, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपका फर्स्ट कार्ड। आपकी रीडिंग इस डायरेक्शन में घूम रही है। ओके, सो यहाँ पर है द वर्ल्ड। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं कोई एक पर्सन ऐसा है जो आपको लेकर फुलफिलनेस महसूस करने वाले हैं, यानी कोई एक पर्सन इस टाइम पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स रखते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर खुशी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एक क्या बताऊँ, सॉफ्ट वाला जो फीलिंग्स होता है ना, रोमांटिक फीलिंग्स, वो चीज़ इस टाइम पर इस इंसान के मन में मुझे दिख रही हैं, यानी आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए और आपके साथ अचानक से मुलाकात हो जाए, सब कुछ हो सकता है। ओके, तो एक ऐसी पर्सन की एनर्जी वाइब्स मुझे आ रही है, और इस टाइम पर मुझे ये भी दिख रही है कि लव लाइफ के साइड से आपको भी ये वाइब्स मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग भी स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अवोकन पर्सन होते हो, और साथ में आपका इंट्यूशन जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है, आपका मन एक्टिव रहता है। तो इस टाइम पर डेफिनेटली ये वाइब्स आप भी कैच करने वाले हो, तो जिसके वजह से आप इस टाइम पर फुलफिलनेस महसूस करते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर ये चीज नोटिस कर पाओगे कि लव लाइफ के साइड से कोई एक साइकिल एंड हो रहा है, यानी कोई नेगेटिव साइकिल आप अपने लव लाइफ के साइड से चला जाता हुआ देखोगे या फिर एंड होता हुआ देखोगे। और यहाँ पर जो सेकंड कार्ड है वो है यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप बहुत टाइम से ना अपने लव लाइफ को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर परेशान थे। आपके लव लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर आप चिंता मुक्त नहीं हो पाते हो। आप कुछ चीज़ों से खुद को बाहर निकल के लाना चाहते हो, पर उस चीज़ में आप बार बार फंस जाते हो। हो सकता है किसी एक पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, या फिर अपने लव लाइफ के फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। मुझे दिख रही हैं आप बहुत टाइम से कोई गहरी सोच में डूबे थे किसी चीज़ को लेकर, तो वहाँ से
आपको एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। यानी आप जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, किसी चीज़ का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे, सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, कुछ चीज़ों का आंसर ढूंढ रहे थे, तो वो क्लैरिफिकेशन, वो सच, वो आंसर्स टाइम पर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। यानी आपके सोच से एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो टू ऑफ पेंटिकल्स हैं। कोई एक इंसान ऐसा है जो आपको लेकर जगल करते फिर रहे हैं, यानी इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं आपको लेकर, को लेकर कन्फ्यूजन में पड़ने वाले हैं। यानी आपके तरफ उनका दिल तो आना चाहेगा पर उनका दिमाग उनको रोकता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रही है आपके और उनके बीच में ना कुछ डिफरेंसेस हैं। हो सकता है वो एज डिफरेंस हो सकता है वो रिलीजन डिफरेंस हो सकता है वो कास्ट डिफरेंस हो, ओके, या फिर मुझे बैंक बैलेंस का भी कुछ डिफरेंसेस दिख रही हैं जिसकी वजह से ये इंसान ना आपके तरफ नहीं आना चाहते हैं। अगर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे तो इनके घर वाले नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिफरेंसेस इनके और आपके बीच में मुझे दिख रही हैं, ओके। तो इस टाइम पर ये एक इंसान ऐसा है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, जगल करते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। इनके पास इस टाइम पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ओके, और ये इंसान इस टाइम पर सोचते ही जाएंगे। कोई भी एक्शन भी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहे हैं उस इंसान की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हो द हैंग्ड मैन है। इस टाइम पर आपके लाइफ में कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, जहां से लव लाइफ के साइड से आपको एक स्टक सिचुएशन से निकलने वाले हो। किसी एक चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा डार्क सिचुएशन में थे, आप बहुत ज्यादा फंसे हुए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप जिस भी सिचुएशन को लेकर हैंग्ड महसूस कर रहे थे, उस हैंग सिचुएशन से इस टाइम पर आप बाहर आने वाले हो। और इस टाइम पर ऐसे ही नहीं आने वाले हो, कोई एक इंसान मुझे दिख रहे हैं जो आपके हेल्प करने वाले हैं। यानी उस इंसान के दौरान, उस इंसान के थ्रू आप इस टाइम पर बाहर आते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर आप भगवान को बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी शो करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मानते हुए दिख रहे हो, खुद को, अपने लव लाइफ को एकदम से भगवान के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक लाइट आपके पास, एक होप आपके पास अचानक से आ जाएगा। यानी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे पर अचानक से आपकी लव लाइफ में आती हुई दिख रही हैं, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो जजमेंट, ये जो टाइम है ना, ये डिवाइन टाइमिंग दिख रही है आपके लव लाइफ के लिए। इस टाइम पर आपका जो सोल है ना, वो बहुत ज़्यादा झूमता हुआ दिख रहा है, सुकून महसूस करता हुआ दिख रहा है। आप इस चेहरे को देख सकते हो, आपका कोई एक मैनिफेस्टेशन इस टाइम पर पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे, ओके। हो सकता है आप किसी इंसान को लेकर बहुत टाइम से दुआ मांग रहे थे, हो सकता है किसी इंसान को लेकर बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, हो सकता है वो आपका पास्ट हो या फिर हो सकता है वो आपका क्रश हो यानी फ्यूचर हो, ओके। तो इस टाइम पर आपका कोई एक विश लव लाइफ के साइड से पूरी होती हुई दिख रही हैं। मुझे ये भी दिख रही हैं, ऐसा भी कुछ विशेस हैं आपके मन में जिसको आपने किसी को नहीं बताया है। यानी कुछ हिडन विशेस भी पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे, जिसके लिए आप अपने मन से, दिल से भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हो और सुकून प्राप्त करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ओके। मुझे दिख रही हैं कोई एक इंसान ऐसा है जो आपके लव लाइफ में खुशी आए नहीं चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान आपके सामने बहुत ज़्यादा अच्छे बिहेव करते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, पर आपके लव लाइफ में खुशी आए ये नहीं चाहते हैं। ये इंसान आपके फैमिली में से कोई हो सकता है या फिर आपके दोस्तों में से कोई हो सकता है या फिर आपके बहुत ज़्यादा नज़दीकी कोई इंसान मुझे दिख रही हैं, आपका ऑफिस कलीग्स या फिर बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं। कोई एक इंसान बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि आप लव लाइफ के साइड से सक्सेसफुल ना हो, या फिर आपको जो इंसान प्यार करता है वो आपको छोड़ दे, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक या फिर ब्लैक एनर्जीज की हेल्प ले रहे थे। तो इस टाइम पर ये जो इंसान है ना, ये गिरने वाले हैं, यानी डिवाइन इनको गिराने वाले हैं। जो भी नेगेटिविटीज थे आपके लव लाइफ में, वो सब कुछ डिवाइन अपने आप ही हटाते हुए दिख रहे हैं। यानी आप बहुत ज्यादा लॉयल पर्सन हो, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, लव लाइफ के साइड से आप हमेशा लॉयल रहते हो, ऑनेस्ट रहते हो, जिसकी वजह से ही आपका लॉयलिटी, आपका ऑनेस्टी का रिवॉर्ड डिवाइन देते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो आपको पता है या फिर नहीं पता है, पर कोई एक इंसान ऐसा है जो आप दोनों के बीच में या फिर आपके लव लाइफ में दुविधा क्रिएट कर रहा था, तो वो इंसान इस टाइम पर एकदम से गिरने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फोर ऑफ कप्स हैं। आपके पास ना कुछ प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऑफर इस टाइम पर आते हुए दिख रहे हैं, पर उसको देखकर आप थोड़ा सा मायूस भी होते हुए दिख रहे हो। यानी ये जो ऑफर हैं, ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको इस टाइम पर रिसीव करना चाहिए या फिर नहीं, इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या आप कैपेबल हो या
या फिर ये ऑफर आपके लायक है, तो इस टाइम पर कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके अंदर आते हुए दिख रहे हैं। कोई एक पर्सन इस टाइम पर आपकी तरफ ऐसे आते हुए दिख रहे हैं जिसको देखकर आप सरप्राइज्ड होने वाले हो, यानी वो इंसान आपके तरफ आएगा ऐसा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आपके मन में वो इंसान था पर आपने शायद किसी को नहीं बताया था उस इंसान के बारे में, यानी आपका ख्वाब था, आपका ड्रीम था वो इंसान। ओके, तो ऐसी कुछ वाइब्स मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं। ओके, देख लेते हैं किस टाइम पर आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपके तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं, या फिर वो इंसान आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, या फिर उनके लव लाइफ में इस टाइम पर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चलने वाला है। तो आपको इस टाइम पर क्या करना है, बस अपने आंखों को बंद करके 3 times उस इंसान के बारे में डीपली सोचना है। ओके, बस और कुछ नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, किसी भी बात को लेकर नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। ओके, वन मोर, तो देख लेते हैं बॉटम द डेक। बॉटम द डेक में यहाँ पर है 9 of Hearts। इस इंसान का जो इमोशन है ना वो यहाँ पर ओवरफ्लो करती हुई दिख रही है आपके लिए, यानी इस टाइम पर जून मंथ के 5 से 15 तारीख के बीच में ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स रखने वाले हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस करेंगे। वो स्पिरिचुअल अट्रैक्शन हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, यानी इस टाइम पर ये इंसान आपके लिए एकदम से पागल होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये इंसान शो करे या फिर नहीं करे, पर दिल से ये इंसान आपको लेकर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। तो कैसे क्या होने वाला है वो तो रीडिंग के थ्रू पता लगेगा। देन देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं। तो यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस हैं, एंड फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस हैं, एंड ओके आर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है। ओके, सो इनकी भी जो रीडिंग है ना वो ऐसे घूम रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सो आपके मन में कोई मेल इंसान है या फिर फीमेल इंसान है, ये रीडिंग एकदम से जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, तो ये जो इंसान है ये आपके दिल में है, आपके मन में है, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी जेंडर से बिलोंग कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ हार्ट्स। ये इंसान इस टाइम पर आपको हेल्प करना चाहेंगे बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपने कभी इस इंसान को जाने में, हो सकता है अनजाने में, हो सकता है हेल्प कर दिया था, या फिर आपके कुछ बातों से ये इंसान बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे, इनकी लाइफ के कुछ कामों में आपने हेल्प किया था। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है ये इंसान इस टाइम पर उस चीज़ को रिटर्न करना चाहेंगे, यानी उस चीज़ को सोचकर ही आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए दिख रहे हैं, रेस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, एक लवली पर्सन मानते हुए दिख रहे हैं। यानी मुझे दिख रही हैं इनके जो कुंडली है ना वहाँ पर अगर आप देखोगे तो शुक्र जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो इनका मूड स्विंग होता हुआ दिख रहा है मुझे, यानी अचानक से आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचेगा, तो जिसके वजह से ही मुझे ऐसा लगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो 9 of Diamonds है। यहाँ से मुझे दिख रहे हैं ये एक ऐसे इंसान है ना जो अपने लव लाइफ में ना ऑलरेडी बहुत सारे दुख देख चुके हैं, तो जिसके वजह से ये इंसान इस टाइम पर अपने लव लाइफ में खुशी चाहते हैं, अपने लव लाइफ में एक हारमोनी चाहते हैं, अपने लव लाइफ में लव चाहते हैं, तो जिसके वजह से ये इंसान इस टाइम पर आपको प्यार करने वाले हैं, आपकी तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है अगर कोई प्यार कर सकता है तो वो आप हो। ओके, तो डेफिनेटली इस टाइम पर ये पर्सन अपने लव लाइफ को हील करने के लिए आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। और यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ क्लब्स है। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा एक पावरफुल इंसान मुझे दिख रहे हैं, इनके जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा क्लीन दिख रही है साथ में, और ये इंसान सभी के लिए शेर दिख रहे हैं पर आपके लिए भीगी बिल्ली बनते हुए दिख रहे हैं। यानी जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, दूर से हो पास से हो, जब भी ये इंसान आपके बारे में याद करते हैं, आपका नाम सुनते हैं, तभी इस इंसान के दिल में कुछ होता है, तो इनका जो पावर है तब कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। ओके, तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा एक इंस्पायर्ड इंसान हो, आपको लेकर ये इंसान बहुत सारा पॉजिटिव थॉट्स रखते हुए दिख रहे हैं टाइम पर, और साथ में इनके मन में कुछ ऐसा रहेगा कि आप जो बोलोगे वो करने के लिए राजी हैं, पर आप बस इनके लाइफ में आ जाओ परमानेंटली। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैक ऑफ हार्ट्स है। मुझे यहाँ पर दिख रही हैं इस इंसान के दिल में, इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बहुत टाइम से हैं,
पर इन्होंने कभी भी उसको सरफेस लेवल पर नहीं लाया है, यानी शो नहीं किया है, कुछ साइन भी आपको शायद नहीं भेजा है। तो ये इंसान इस टाइम पर अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को सरफेस लेवल पर लाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये इंसान आकर आपको डायरेक्टली अप्रोच करे, कुछ प्रपोजल दे दे, या फिर आपको कुछ डायरेक्टली साइन भेजे। हो सकता है ये इंसान आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया था पहले, तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए भी ये इंसान शर्मिंदा दिख रहे थे बहुत टाइम से। हो सकता है ये इंसान आकर आपको डायरेक्टली माफ़ी भी मांग ले, यानी आपसे माफ़ी मांग ले, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो सेवन ऑफ स्पेड्स से, ये इंसान ना लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ों को लेकर बहुत टाइम से कन्फ्यूज थे, तो ये कन्फ्यूजन इस टाइम पर क्लियर होती हुई दिख रही हैं, और जिसकी वजह से ये कुछ क्लियर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ क्लियर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो टेन ऑफ हार्ट से व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। इनकी जो लव लाइफ है ना, वो घूमता हुआ दिख रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये इंसान इस टाइम पर आपके साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहेगा, आपके साथ फिर से एक नया लाइफ स्टार्ट करना चाहेगा। डेफिनेटली ये इंसान मुझे दिख रहे हैं आप कुछ प्रपोजल जरूर देंगे, वो शादी का हो सकता है, कहीं पर घूमने जाने का हो सकता है, डेट का हो सकता है। तो ये इंसान इस टाइम पर आपके साथ एक नई जिंदगी सोचते हुए दिख रहे हैं, इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं, और वो रियलिटी में बदलने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट भी लगाते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो टेन ऑफ स्पेड्स है, ये इंसान इस टाइम पर कुछ अनाउंस करते हुए दिख रहे हैं आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में। हो सकता है बहुत टाइम से इन्होंने दबा कर रखा था अपने मन में, किसी को कुछ भी नहीं बताया था, तो ये इंसान इस टाइम पर सभी से ये बात कहते हुए दिख रहे हैं, एकदम से ब्रेव के साथ, यानी करेज के साथ बताते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनका मन इस टाइम पर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ओके। देख लेते हैं इस टाइम पर डिवाइन आपसे क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, मून आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, यानी आप जिनकी पूजा करते हो, जिनको मानते हो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस टाइम पर, यानी 5 से 15 तारीख के लिए, ओके। सो देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, मून आपसे कहना चाहते हैं कि इस टाइम पर आपको चाइल्डिश बिहेवियर शो नहीं करना है लव लाइफ के साइड से। अगर आप ऐसा करते हो लव लाइफ के साइड से, अगर आप किसी भी चीज़ को इस टाइम पर इजीली लोगे, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लव लाइफ में। इस टाइम पर आपको सीरियस होकर पेशेंस के साथ काम करने को बोला जा रहा है। नो डाउट यहाँ पर आपके पास सक्सेस आती हुई दिख रही है, आप बहुत ज्यादा नजदीक हो सक्सेस के, ओके। आपका विश फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। सो इस टाइम पर आपको बस यही चीज करना है, जस्ट चाइल्डिश बिहेवियर शो नहीं करना है अपने लव लाइफ के साइड से, कुछ भी हो जाए सीरियस रहना है, पेशेंस के साथ काम लेना है, ओके। सो आपका रीडिंग ओवरऑल मुझे अच्छे दिख रहे हैं, आपके पर्सन के भी, और साथ में ये जो मैसेज हैं ये तो वाव है। सो बाय।